सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल जिसका नाम द बीफ पोस्ट। यहाँ पे आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड साइड ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला जो न्यूज है वो केरला वेस्टर्स की तरफ से। तो केरला वेस्टर्स एफसी ने एक प्लेयर को ऑफर किया, ऐसा रूमर निकल के जिसका नाम है फिलिशियो ब्राउन फोर्ब्स, जो कि एक कोस्टारिका का प्लेयर है जो अभी के लिए एक पॉलिश क्लब में खेल रहा है जिसका नाम है रखो और एज है इसका 28। एक सेंट्रल फॉरवर्ड प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर मैं बोलूंगा, मतलब बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। और अभी का जो रिसेंट फॉर्म है वो भी बहुत अच्छा है। बट दिक्कत ये है कि अगर केरला वेस्टर्न एफसी खरीदना चाहता है फिलिशियो ब्राउन फोर्ब्स को तो उनको देना पड़ेगा ट्रांसफर फी जो कि होगा 30 मिलियन रुपीस के आसपास कुछ, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रांसफर फी होगा, जो कि थोड़ा सा टफ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ होगा केरला वेस्टर्न एफसी के लिए, क्योंकि अभी का जो केरला वेस्टर्न एफसी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा सा खराब है। सो बट चांसेस है कि वो खरीद सकते हैं फिलिशियो ब्राउन फोर्ब्स को। बट और फिलिसियो ब्राउन फोर्ब्स का अपने क्लब के साथ 2023 तक का कॉन्ट्रैक्ट है और काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको ट्रांसफर फी देके ही खरीदना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है, केरला वेस्टर्स खरीद पाते हैं यानी फिलिसियो ब्राउन फोर्ब्स को, आप कमेंट करके बताइए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है केरला वेस्टर्स के ही तरफ से। तो केरला वेस्टर्स ने जेसल कार्नियरो को और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया। सो जेसल कार्नियरो अभी के लिए तो केरला वेस्टर्स में ही रहेंगे। जेसल कार्नियरो काफी बढ़िया प्लेयर है और काफी यूटिलिटीफुल प्लेयर है। सो ये एक अच्छा चीज है केरला वेस्टर्स के लिए, उन्होंने जेसल कार्नियरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया और 2023 तक तो अभी जेसल कार्नियरो केरला वेस्टर्स में ही रहेंगे। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है एएफसी एशियन कप होस्ट को लेके। सर, एएफसी एशियन कप होस्ट करने के लिए 5 टीम ने बेट किया है और उन 5 टीम में से इंडिया भी है, और जो बाकी जो टीम्स है मैं वो भी बताया था, जो वो है इंडिया, उसके बाद है ईरान, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया और उसके बाद है उज्बेकिस्तान। सो ये 5 टीम ने बिड डाला है एएफसी 2027 एएफसी चैंपियनशिप 2027 को होस्ट करवाने के राइट्स लेने के लिए। बट देखते हैं किसके पास जाता है, इसको हम लोग को 2021 में पता चलेगा, जब एएफसी कप होगा 2021 में हम लोग को पता चल जाएगा। बट अभी के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट 2000 नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा हम लोग को, और हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि किस टीम के पास जाता है ये राइट। बाय द वे चांसेस पांचों टीम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है ना। ऑब्वियसली कतार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन पांचों टीम्स में से सबसे टॉप लेवल में कतार और सऊदी अरेबिया के पास, बट इंडिया का भी चांस है। सो देखते हैं इंडिया को मिलता है ये बिडिंग राइट है नहीं। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है हमारा पंजाब एफसी की तरफ से। तो पंजाब एफसी को 3 ट्रांसफर बैन मिला है, मतलब 3 ट्रांसफर मतलब 1.5 साल तक वो कोई प्लेयर्स को खरीद नहीं पाएंगे। और रीजन है कि हिर्तिजन डेंकोविस्की, बहुत टफ नाम है, वो एक नॉर्थ मैकेडोनियन प्लेयर है, उन्होंने फीफा पे कंप्लेन कर दिया था कि पंजाब एफसी ने उनको पैसा नहीं दिया है। सो और फीफा ने ये देखा कि हाँ सच में पैसा नहीं दिया था, तो फीफा ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि पंजाब एफसी को 3 ट्रांसफर बैन मिलेगा, मतलब 1.5 साल के लिए वो कोई प्लेयर खरीद नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफ होगा पंजाब एफसी के लिए, क्योंकि पंजाब एफसी का जो आई लीग का जो फॉर्म है वो अच्छा ही मैं बोलूंगा, बहुत एकदम टॉप लेवल में नहीं है बट एवरेज परफॉर्मेंस है, और धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा था और अभी ये सिचुएशन में उसके बाद ट्रांसफर बैन, मतलब पैसा होके भी वो लोग प्लेयर नहीं खरीद पाएंगे फॉरेन से। सकते इंडियन प्लेयर खरीद पाएंगे बट फॉरेन से नहीं होगा। सो यूथ से वो लोग प्लेयर उठा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो ये थोड़ा सा बुरा बात है पंजाब एफसी के लिए भी और टीम के प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उसके बाद छोड़ भी सकते हैं पंजाब एफसी। तो देखते हैं क्या होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है गोकुलम केरला एफसी को लेके। सो धर्मराज रावणन जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है गोकुलम केरला एफसी के एकदम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स में से एक, उन्होंने छोड़ दिया है सिर्फ 1 सीजन खेल के और वो कोई दूसरे क्लब में जा सकते हैं, उनका पोटेंशियल होगा। और ये क्लब ने नहीं छोड़ा है, प्लेयर ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं छोड़ देना चाहता हूँ क्लब में, नहीं रहना चाहता, तो वही हुआ है। सो और फाइनेंशियल रीजन के कारण उनका जो फी था वो भी थोड़ा सा ज्यादा था, तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन, जब प्लेयर भी रहना नहीं चाहता तो छोड़ देना ही बढ़िया होगा। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है थोड़ा कम न्यूज है, ज्यादा कुछ था भी नहीं बट जितना था मैंने बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।